Hey guys, welcome back to my channel. This is Ashutosh Srivastava. बेहद ही खूबसूरत है राजस्थान का यह हिल स्टेशन। ऊंची पहाड़ी पर स्थित है खूबसूरती का एक अनोखा नमूना। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, पारस्परिक धरोहर हर किसी का मन मोह लेते हैं। राजस्थान जहाँ भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, वहीं राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक गर्मी का नामो निशान नहीं है। दरअसल इस जगह को राजस्थान का हिल स्टेशन कहा जाता है। यह जगह ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जिसे माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। माउंट आबू की खूबसूरती का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। राजस्थान का माउंट आबू ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू में घूमने के लिए बहुत सारे जगह है, परंतु कुछ जगहों पर आपको जरूर जाना चाहिए। अचलगढ़ का किला। माउंट आबू में अचलगढ़ का किला आकर्षण का केंद्र है। इस किले की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। यह किला राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। यह किला पहाड़ी पर स्थित है। इस किले में स्थापित अचलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। सनसेट पॉइंट एंड सनराइज पॉइंट। माउंट आबू का सबसे खूबसूरत नज़ारा होता है सूर्योदय होना और सूर्यास्त होना। माउंट आबू चूँकि पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ पर सूर्योदय होना और सूर्यास्त होने का अप्रतिम नज़ारा देखने को मिलता है। सुबह और शाम का यह नज़ारा देखने लायक होता है। टॉड रॉक। माउंट आबू में एक विशाल पत्थर है जिसे टॉड रॉक के नाम से जाना जाता है। इस विशाल पत्थर का आकार एक मेढक के जैसे लगता है, जिसे देखकर यह महसूस होता है कि कोई मेढक नदी में कूदने की तैयारी में हो। एक पत्थर जो मेढक का आकार लिए हुए है, उसे देखकर प्रकृति की खूबसूरती पर गर्व तो होता है, परंतु हैरानी भी उतनी ही होती है। नन रॉक। नन रॉक घूंघट डाले किसी स्त्री जैसा प्रतीत होता है, एक पत्थर जो किसी स्त्री का रूप लिए हुए है, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। नक्की झील। नक्की झील के लिए कहा जाता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखून से खोदा था। नक्की झील का पानी सर्दियों में जम जाता है, जिसकी वजह से यह झील किसी बर्फ की चादर जैसी प्रतीत होती है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह झील खूबसूरती का एक अनोखा नमूना है। गोमुख मंदिर। गोमुख मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इस मंदिर में एक गाय की प्रतिमा बनी हुई है जिसके मुँह से पानी निकलता है। इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि पानी कहां से आता है। इस वजह से इस मंदिर का नाम गोमुख मंदिर रखा गया। इसके अलावा इस मंदिर में सर्प की विशाल प्रतिमा और संगमरमर से बनी नंदी की प्रतिमा है, जो आकर्षण का केंद्र है। गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित अरावली श्रेणी की उच्चतम चोटी है। यह शहर से 15 किलोमीटर दूर है। गुरु शिखर से कुछ पहले भगवान विष्णु के एक रूप त्रयोदश का मंदिर है। मंदिर के पास से ही शिखर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। शिखर पर एक ऊंची चट्टान है और एक बड़ा सा प्राचीन घंटा लगा है। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित पीतल की घंटी है जो माउंट आबू को देख रहे संतरी का आभास कराती है। गुरु शिखर से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। हनीमून पॉइंट। यह जगह नक्की झील के पास स्थित है। यहाँ एक चट्टान में स्त्री और पुरुष की आकृति दिखाई पड़ती है, जिसके कारण इसे हनीमून पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ हरे भरे मैदान और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य देखकर कपल्स भाव विभोर होते हैं। यहाँ खाने के साथ शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान का सबसे खूबसूरत जैन मंदिर है। अपनी कला के लिए काफी प्रसिद्ध यह विशाल मंदिर जैन तीर्थंकरों के लिए समर्पित है। यह माउंट आबू से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिलवाड़ा वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी में चालुक्य के राजाओं द्वारा बनवाया गया। 5 मंदिरों के समूह में बिमल शाही मंदिर सबसे प्राचीन है। अपने ऐतिहासिक महत्व और संगमरमर के पत्थर पर बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले इस विश्वविख्यात मंदिर में शिल्प और सौंदर्य का एक ऐसा बेजोड़ खजाना है जिसे दुनिया में यत्र तत्र कहीं नहीं देखा जा सकता। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।